नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी से कई गांव के सरपंचों ने मुलाकात की। इस मौके पर सरपंचों ने सीएम सैनी से सार्थक संवाद किया। चर्चा के बाद सरपंचों ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने उनकी बातों को ध्यान से सुना है और उन्हें आश्वासन दिया है कि आचार संहिता हटने के बाद से विकास कार्यों में और भी तेजी आएगी। इसी के साथ ही सरपंचों ने कहा कि कुछ लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के झांसे में न आए। अपन साथी अपने गांव के विकास के लिए चुन के आए हैं और सरकार हमारे साथ खड़ी है, तो कुछ एक सरपंच साथी हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसमें वो बरगला रहे हैं कुछ सरपंचों को। तो मैं उनसे सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि सभी साथी सरकार के साथ खड़े हों और अपने गांव के विकास के कार्य करें। सरपंच प्रतिनिधि बसंतलाल उमरी, हम आज सीएम साहब से मिले थे, लाडवा हल्के के सरपंच एसोसिएशन मिली थी। उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी तरीके से हमारी मांगे सुनी है और हमें पूरा जोरदार आश्वासन दिया है। जी सिंगला, सरपंच ग्राम पंचायत बबैन से आज सीएम साहब से मिलने का मौका मिला, बड़ा सौभाग्य की बात है सभी सरपंचों के लिए। और जो हमने अपनी मांगे रखी हैं तो सीएम साहब ने बोला कि पूरा खाका तैयार हो चुका है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के कारण 4 जून के बाद इसका ऐलान कर सकते हैं और हम सभी इस बात से सहमत हैं। और सोनीपत से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। नामांकन के लिए रथ पर सवार होकर यात्रा निकाली गई। वहीं इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी पीएम मोदी के भाई हैं, जबकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो राहुल गांधी के भाई हैं। अब जनता को ये देखना होगा कि वो नरेंद्र मोदी के भाई को जिताना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी के भाई को। तो वो कहते हैं कि मैं भी तो आपका भाई हूं, लोग कहते हैं भाई मोहनलाल जी तुम्हारा भाई है, लेकिन जो लोगों का कहना है कि अंतर क्या है, अंतर ये है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो केवल हमारा भाई नहीं है, लोग जो उनको कहते हैं वो राहुल गांधी का भाई है और हमारे मोहनलाल जी ये नरेंद्र मोदी के भाई हैं। अगर हमने किसी को वोट देने हैं, दो भाइयों में से छांटना भी है, तो राहुल गांधी के भाई को क्यों छांटेंगे, फिर तो नरेंद्र मोदी के भाई को छांटेंगे। ये केवल दो प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये दो नेताओं के बीच में, और दो नेताओं के बीच में जब मुकाबला लोग करते हैं, मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं 10 साल का कार्यकाल, और कांग्रेस के कार्यकाल को जो उन्होंने 55-60 साल देश पर राज किया उसको देखते हैं। जो मोदी जी ने 10 साल में काम किए, मैं कह सकता हूं कि वो कांग्रेस के 55 साल में होने तो दूर की बात, उन्होंने जो समस्याएं पैदा की थी मोदी जी ने, वो कांटे चुने हैं सारे, वो कांटे चुने हैं। अगर बताइए 370 धारा किसने बनाई थी, किसने खड़ी की थी, ये कांग्रेस ने खड़ी थी। इस 370 के होते कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग नहीं बना सकते थे, और कश्मीर की लड़ाई में पाकिस्तान भी घुसा हुआ था, हमारी फौजें वहां जाती थी, सैकड़ों शहीद होते थे। क्यों बीच एक गलियारा बिहार से लेकर के और केरल तक नक्सलवाद का गलियारा यह खड़ा हो गया था, नक्सली सक्रिय हो गया कि देश को इससे दो बांट देंगे। मोदी जी के आने के बाद सबने देश के कानून को मानना शुरू कर दिया है और नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है कि देश अब एक रहेगा, देश के बंटने का कोई भी खतरा आज नहीं है। मित्रों, भाई बहनों, हम नागालैंड ले लें, मणिपुर ले लें, मेघालय ले लें, असम ले लें, ये सारे प्रदेश जल रहे थे, लगता था कि शायद ये। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ की विजय संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी।
बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची में शामिल कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जहां भी पार्टी लगाएगी जिम्मेदारी और ईमानदारी से मेहनत करूंगा। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी कल 4:30 बजे बल्लोद में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसकी तैयारी को देखने के लिए भी तैयारी क्या है किस तरह की है उस तैयारी को देखने के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रैली सफल पर आए हैं और रैली बड़ी होगी और बहुत बड़ी ऐतिहासिक होगी और सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं और जो विकास को गति दी है देश के प्रधानमंत्री ने गति दी है और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी इस जनसभा को संबोधित करेंगे, आदरणीय मनोहर लाल जी सभा को संबोधित करेंगे तो मेरी सबसे सभी लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुँचे। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने पटौदी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का चुनावी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच जाकर विकास के नाम पर वोट करने की अपील की है। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से चौमुखी विकास कार्य किए हैं, उसी आधार पर पार्टी ने एक बार फिर से मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही जनता के बीच जब मैं पहुंच रहा हूं तो जनता का मुझे भारी समर्थन मिल रहा है। जो हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है तो लोगों को तय करना है कि आने वाले समय में उनको विकसित देश चाहिए या चंद दिनों के लिए मनोरंजन चाहिए, ये फैसला जनता करेगी और 25 तारीख को हो जाएगा। एक दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा कर रही है आप, किस तरह का समर्थन जनता से मिलता है? देखो समर्थन तो भगवान की दया से मुझे हमेशा मिलता आया है, पार्टी ने तीसरी बार मेरे को टिकट दिया है, जितना पहले समर्थन मिल रहा था तो कुछ उससे फालतू ही नजर आ रहा है। और फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने अपना नामांकन दाखिल किया है लेकिन नामांकन से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और करण दलाल ने दूरी बनाई है। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से सेक्टर 12 में जनसभा का आयोजन किया गया लेकिन जनसभा में लोग नहीं पहुंचे और कुर्सियां भी खाली दिखाई दी। जब महेंद्र प्रताप ने हुड्डा के ना आने पर सवाल किया तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि तीन जगहों पर उम्मीदवारों के नामांकन थे, तीनों जगहों पर जाना संभव नहीं था, इसलिए आपस में बात करके तय किया गया कि कौन सा नेता कहां जाएगा। ऐसा नहीं है, सब तरह के पहलू देखे जाते हैं और ये कांग्रेस नेतृत्व का फैसला है, किसी एक का नहीं है। सभी का, सभी नीचे से पहले अपना पार्लियामेंट जो कोऑर्डिनेटर हमने लगाए थे उनकी मीटिंग हुई, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, सभी चैनलों पर हर सीट पर बहुत पूरी तरह से विस्तार के साथ मंथन किया गया और उस पर निष्कर्ष निकालना ही था, तो हमारा कोई भी कैंडिडेट कमजोर नहीं है। और जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार पालाराम सैनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए कुरुक्षेत्र के लोगों ने मन बनाया है कि बाहर से आए तीन बड़े चेहरों के सामने स्थानीय उम्मीदवार पालाराम सैनी को विजयी बनाना है। अभी चुनाव शुरू हुआ है, उन्होंने कहा 6 तारीख के बाद समीकरण बनेंगे।
कुरुक्षेत्र लोकसभा के कैंडिडेट पालाराम सैनी जी का और अम्बाड़ा लोकसभा के कैंडिडेट श्रीमती डॉक्टर किरण पूनिया जी का नॉमिनेशन पार्टी बरवारी और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुबह रमेश खटक जो हमारे सिरसा लोकसभा के कैंडिडेट उनका नॉमिनेशन भरवाया है और बड़े अच्छे लोगों के समर्थन के साथ सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए आज कुरुक्षेत्र ने ये मन बनाया है कि तीन बड़े जो बाहर से आए चेहरे हैं उनके आगे अपना खुद का बेटा पालाराम सैनी को कुरुक्षेत्र की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। और कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में पूर्व सीएम मनोहर लाल पर जमकर निशाना साधा है। सुशील गुप्ता ने इस दौरान क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। किसानों को जितना दुख मनोहर लाल जी ने दिया है आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दिया। किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, इनकी जड़ चीन में बताई, पाकिस्तान में बताई, उपद्रवी कहा, आंदोलन जीवी कहा और अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि लट उठा लो। फसल मंडी के अंदर बिकती रहे, खेत में पड़ी हुई बिकती रहे, इसने खरीदारी तय नहीं करी, मंडियों को बंद कराने की साजिश रची, आज वो किसान कैसे हो सकता है। और हरियाणा के रतिया में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तेजी से फैल रही है। आपको बता दें कि अनेकों लोग कैंसर की बीमारी की चपेट में आ चुके हैं तो वहीं कई लोगों की मौत भी कैंसर के कारण हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा जिसके चलते रतिया के वकीलों और पार्षदों ने प्रदेश सरकार से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के समाधान की मांग उठाई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने माना है कि पेस्टिसाइड युक्त सब्जियां और अनाज के साथ साथ घग्गर में पंजाब की फैक्ट्री का दूषित पानी भी इस बीमारी का कारण हो सकता है। कारण तो हम यहाँ जो देख रहे हैं लगता है भी ये घग्गर का सराउंडिंग एरिया है, दूषित पानी इसमें फैक्ट्रियों का आ रहा है, कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कारण है। कितनी की भयंकर बीमारी ये फैली हुई है लोगों में? ये बहुत भयंकर बीमारी है, हजारों लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं, पर हर घर घर में ये फैला हुआ है। कोई तो लोग बेचारा बीकानेर जा रहा है, कोई हिसार जा रहा है, कोई बठिंडा जा रहा है, कोई पीजीआई की तरफ मुंह को देख रहा है। लोग आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से ख़त्म होते जा रहे हैं। कारण क्या मानते हो इसका मेन? ये कहीं ना कहीं वाटरबोरन डिजीज लगता है, घग्गर के सराउंडिंग का एरिया है, फैक्ट्रियों का दूषित पानी आ रहा है। पहले हेपेटाइटिस सी ने यहाँ भयंकर रूप से पाँव पसारे हुए थे। देखो इसके कारण जैसे जनरल पब्लिक बताती है कि ये घग्गर का भी है और मेरे नज़रिया देखा जाए तो इसका पेस्टिसाइड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेस्टिसाइड हम जो फसलों में डाल रहे हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। और घग्गर के एक वही पहले भी ये हुआ है कि सैंपल लिया जाए जिससे पता लगे कि ये इसका फैलने का कारण घग्गर ही है या कोई और है। घग्गर में की बात है जहाँ तक, इसमें कारण ये नहीं माना जा रहा कि जिस तरह पंजाब की फैक्ट्रियों का पानी इसमें डाला जा रहा है, पहले नहीं था अब डाला जा रहा है, उसके बाद ये बीमारियाँ फैली हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए घग्गर एक रीज़न रहा है, जैसे सी हुआ था, हेपेटाइटिस सी चला था, उसमें भी घग्गर का बहुत बड़ा रोल था। हाँ, ये बताएं जो ये कैंसर की बीमारी फैली है, लोग इसको घग्गर का कारण मानते हैं और आप घग्गर के पास ही रह रहे हो। बात यही, पहले आपने मुझे बुलाया, आपका स्वागत करता हूँ मैं, क्योंकि पहली दफ़ा मुझे वकीलों के माध्यम से आपने जो क्वेश्चन किया है वो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। इसके बारे में यहाँ एक सर्व समाज बना हुआ है, उसने लड़ाई लड़ी है घग्गर के पानी को जो बना हुआ है उसको ठीक करवाने के लिए, नीचे से सीएम तक, क्या हेल्थ मिनिस्टर केंद्र तक हमारी आवाज़ पहुंची है और उसका सर्वे हुआ है। सर्वे में ये पाया गया है कि जो पानी है घग्गर का एक वो कैंसर है। और जमानत मिलने के बाद से करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि यह संविधान की जीत है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं करनाल से मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, बीजेपी और मनोहर लाल मेरी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, देश के संविधान के बदौलत मुझे कोर्ट से जमानत मिली है। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने साथ ही कहा कि मैंने लीगल प्रोसेस फॉलो किया लेकिन मेरे पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और सभी मुकदमे हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए किए गए। Okay.
माननीय न्यायालय ने आज मुझे जमानत दी है और जिन मुकदमों के तहत मेरे को 6 साल के बाद जब मैं मनोहर लाल जी के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी छवि को खराब करने की जो कोशिश, जो षड्यंत्र भाजपा द्वारा, मनोहर लाल जी द्वारा किया गया, इस संविधान की बदौलत, हमारे देश के संविधान की बदौलत आज मुझे यहाँ से जमानत मिली है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना सके, चाहे खट्टर हो या कोई। आज हमने उसमें रेगुलर बेल सरेंडर करके अप्लाई की थी कोर्ट में, और आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज तो कोर्ट ने उनकी बेल ग्रांट कर दिया। तो सर क्या आधार क्या रखा गया था? आधार ये कि बेलेबल ऑफेंस था ये, और हम अपनी मर्जी से सरेंडर कर रहे हैं। बेल ऑफेंस में जो है जेल में भेजने का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी। अदरवाइज आल्सो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, वी आर रेडी टू कंपाउंड द ऑफेंस। तो इन द लाइट ऑफ ऑल दिस बेल वाज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड। ये रेगुलर बेल है क्या? रेगुलर बेल है, ये परमानेंट बेल है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट हियरिंग या इसमें क्या अभी लगाएंगे नेक्स्ट? और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।